क्या रे बहू, तू चाय पानी दे रही है या मैं बाहर से खा कर आऊँ? हाँ हाँ माँ जी, ये लीजिए चाय। बहू बिस्कुट किधर है? वो क्या है ना माँ जी, बिस्कुट तो नहीं है। तो फिर मैं चाय में डुबाऊंगी क्या? इज्जत। देखता हूँ देखता हूँ। ए बिट्टू जल्दी से जा, लाला की दुकान से बिस्कुट ले आ। और तू मेरे लिए कॉफी बना कर ला, चाय से ज्यादा कॉफी के साथ बिस्कुट खाने में ज्यादा मजा आती है। ठीक है माँ जी। तो फिर दादी मैं जाऊँ अब? तू किधर चली, तेरे से जरूरी बात करनी है, रुक। हाँ दादी बोलिए, क्या बात है? मैं इधर हवा खाने नहीं आई हूँ, मैं तो इधर किसी का सर फोड़ने आई हूँ। क्या, किसका सर फोड़ने वाली हो तुम? वो चड्डा है ना। कौन, वो तुम्हारा पास में रहता है जो चड्डा अंकल? हाँ हाँ वो ही चड्डा। क्यों, क्या किया उन्होंने? उसने मुझसे 2 लाख रुपया लिया और बोला था कारोबार करके मुझे हर महीने पैसा देगा, और अब पिछले 2 महीने से कोई आता पता नहीं, सुना है इधर इस मोहल्ले में आकर छुप गया। क्या, चड्डा अंकल इधर कहाँ छुपा और तुम कैसे ढूंढोगे? मैं क्यों ढूंढूं? तो फिर कौन ढूंढेगा? क्यों, तू और बिट्टू ढूंढेगा? क्या, हम लोग कैसे ढूंढेंगे? कैसे ढूंढेगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर उस चड्डा को ढूंढ लिया तो फिर मैं तुझे 20,000 रुपया दूंगी। क्या 20,000 रुपया? फिर तो मैं जमीन के अंदर से भी उसको ढूंढ निकालूंगी। क्या 20,000 रुपया सिर्फ तुझे कैसे मिलेगा? गला फट रहा है क्यों? धीरे बोल, तेरी मम्मी सुन लेगी। ठीक है तुझे भी कुछ दे दूंगी। कुछ नहीं मुझे तो आधे हिस्सा चाहिए। क्या आधे हिस्सा, तेरा औकात है आधे हिस्सा लेने का? हाँ है, मुझे देना पड़ेगा।